फेसबुक फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। और आज मैं तीनों का ऑमलेट बना रही हूँ। और ये मैं 3 kg लाई थी और मैंने छील लिया, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है 3 kg का। और फिर इसलिए मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया। और देखिए, लास्ट में जब मैं पीस रही थी तो मेरी मिक्सी का ब्लेड टूट गया। और अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसकी क्वान्टिटी को देख लेती हूँ कि मुझे क्या करना है। ये देखिए, ये देखिए, एक प्याला और ये दो प्याले और ये ये 3 से कुछ और ये हो गया 3.5 से 3 और ये 4। तो हमें मेजर लगा लेंगे 4 से कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। अब ये मैंने कर लिया और अब मैं इसको बड़ी छन्नी में छान रही हूँ। ये देखिए, इसको छन्नी में, तो अब इसमें थोड़ा सा वो तो आएगा ही आएगा, इसलिए देखिए मैं इसको कर रही हूँ। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं इसका और मॉडल बनाऊँ। बच्चों की फरमाइश है कि नानी हमें चाहिए मामलेट चाहिए, ठीक है मैं आज संडे को बनाऊंगी। ये देखिए, अब क्योंकि ये ज़्यादा है तो प्रोसेस में थोड़ा सा लेट हो जाता है, और इस वजह से मैं इस आपको दो उसमें करूँगी, दो भागों में कंटिन्यू करूँगी। हाथ से मैं इसका सारा पल्प निकाल लूंगी, देखिए बाकी जल है जाएगा। देखिए ना, ये देखिए, देखिए मोटा मोटा हो गया क्योंकि मिक्सी का वो टूट गया। अब ये नहीं पता क्यों टूटा, हो सकता ये मैंने फ्रिज में रखे थे छील के, हो सकता ठंड की वजह से, ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा कि क्यों टूट गया ब्लेड। अब ये देखिए, कोई चीज़ बनाने के लिए देखिए मेहनत तो करनी पड़ती है। अब क्योंकि ये घर का है तो ये नेचुरल टेस्टी होगा, बाज़ार में तो ये सिर्फ स्मेल डाल देते और प्रिजर्वेटिव डाल देते तो वो इतना बच्चों को अच्छा नहीं लगता। अब मैंने तो ये बचपन से ही खाती आई हूँ, जैसे मुझे पता है कि मेरी मम्मी कैसे बनाती थी और मैं खड़े होकर इसको देखती थी। तो आज मैं खुद बना रही हूँ कि कैसे बनाते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। देखिए, अब मैं इसको आग पे रख दूंगी और इसको देखिए इसको, और अब मैं 4 चम्मच, मैंने 4 प्याले डाले थे और मैं 4 प्याले ही ये चीनी डालूंगी। देखिए, अब ये देखिए, देख रहे हैं, एक क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है, 2 3। हम सोच रहे अभी 3 ही सोचते हैं क्योंकि हमारे में ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता, इसलिए ट्राई करते हैं। इसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो फिर मैं डाल लूँगी, और नहीं होगी तो कोई बात नहीं, ऐसे भी चलेगा, लेकिन हमें मेजरमेंट तो लेके चलना ही चाहिए। इसलिए अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ और ये देखिए
गैस पे मैंने चढ़ा दिया है और अब मैं इसको धीरे धीरे चलाऊंगी ताकि ये जल ना जाए। ये देखिए अब मैं धीरे धीरे, ये देखिए अभी थोड़ा सा फ्लेम मैंने ज़्यादा रखी है। इसके बाद जब ये थोड़ा सा एक उबाल आ जाएगा तो हम इसको धीमा कर देंगे। देखिए अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक कर दूँ क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आई विल कंटिन्यू। ओके